वेलकम बैक फ्रेंड्स, टुडेज टॉपिक इज पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस। आप लोगों को ये लगता होगा कि पार्लियामेंट्रियंस को एमपी एमएलएज को जो प्रिविलेजेस दी गई हैं क्या हैं, वो किस एक्सटेंट तक हैं, उनका जुडिशियल रिव्यू किस एक्सटेंट तक हो चुका है, ये हमने कहाँ से लिए हैं, यूके से लिए हैं, यूएसए से लिए हैं। तो काफ़ी आपके क्वेश्चन माइंड में होंगे और ये इंपॉर्टेंट पोर्शन है, इसमें से क्वेश्चन आ जाते हैं। ऐसा नहीं है कि ये बहुत दो इट इज़ इट लुक्स ड्राई सब्जेक्ट्स, बट ऐसा नहीं है कि इससे क्वेश्चन आए हुए हैं, पहले भी यूपीएससी में भी आए हुए हैं, आपके लॉ एग्जाम्स में भी आए हुए हैं। और इसका काफ़ी ऐसा एलिगेशन लगता है कि जो प्रेस है उसको गीक करने के लिए ये एमपीज लॉ इश्यू करते हैं, तो इसका यूज एंड मिसयूज हम डिस्कस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। ये आपके पिछले वीडियोज़ का एमरजेंसी का है, प्लीज़ हैव ए रिविजन ऑन इट। नेक्स्ट स्लाइड, पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस। What do you mean by the parliamentary privileges? Parliamentary privileges are some special rights, some immunities and exemptions. So, इसका जैसे अगर हम बात करें right to speech, अगर right to speech की हम बात करते हैं तो what extent they can speak? It is absolute right or having some limitation on it? Second, right to publications. आपकी जो पार्लियामेंट्री जो कमेटीज़ हैं, पार्लियामेंट्स में जो बिल पास होते हैं उनकी जो आप जो पब्लिकेशन होता है, क्या उसमें कभी कभार आपने देखा होगा कि स्पीकर एक्सपंज कर देते हैं उस किसी पोर्शन को, एक्सपंज मीन्स यानी वो रिकॉर्ड में नहीं ले, और उसके बावजूद भी अगर कोई पब्लिशर उसको पब्लिश कर देता है तो इट अमाउंट्स टू द कंटेम्प्ट ऑफ द लोकसभा और राज्यसभा और एनी स्टेट असेंबलीज। दूसरा, उनको जैसे नो सिविल अरेस्ट 40 डेज प्रायर एंड 40 डेज आफ्टर द सेशन, और अगर आप ये देखेंगे ये इसमें मैं आगे बताऊंगा आपको। तो इस तरीके से ये इस हिस्टोरिकल रीजंस हैं। आप देखेंगे कि हाउस ऑफ कॉमन्स, उसमें जो वहाँ पे किंग है, वहाँ पे किंग इनफैक्ट एमपीज को अरेस्ट करवा देते थे अगर वो कुछ हिम्मत करते थे, कुछ डेयर करते थे। तो इस तरीके से आप देखा हुआ कि वहाँ बड़ी मुश्किल से उनको काफ़ी स्ट्रगलिंग के बाद कुछ प्रिविलेजेस मिली हैं और वही प्रिविलेजेस हमने इनकॉर्पोरेट किए हैं। और टू होम द अब ये भी आपकी जो प्रिविलेजेस हैं, ये भी आपको एमपी एमएलए से एक तो मिलती है इंडिविजुअल, अगर कोई एमपी है उसको इंडिविजुअल भी उसको राइट्स हैं, लेकिन एज ए होल हाउस के लिए भी ये राइट है। और आपके हाउस की कमेटीज होती हैं, जैसे हेड ऑफ कमेटीज बैठी हैं आपकी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटीज, वो बैठी तो आज तक जेपीसी तो फिर 5-6 बार ही है, लेकिन जैसे कोई स्पेसिफिक कोई इशू आया और उसके लिए कोई हेड ऑफ कमेटी बनाई और जैसे वो इशू सॉल्व हुआ, उसे रिपोर्ट आई, वो हेड ऑफ कमेटी डिसबैंड हो गई। ऐसी स्टैंडिंग कमेटीज आपकी 24 है, तो उनके अंदर डिपार्टमेंट्स हैं और वो ये 1 ईयर के लिए होती हैं, तो इसलिए काफ़ी कुछ पार्लियामेंट का काम होता है। पार्लियामेंट अकेले ये नहीं, उसके पास मल्टी टास्क होते हैं, तो हर बिल पे वो डिबेट्स प्रॉपरली नहीं हो सकती हैं, और लेकिन स्टैंडिंग कमेटीज़ के पास सफिशिएंट टाइम होता है और उसमें एक्सपर्ट्स की भी हेल्प ली जाती है, तो वहाँ पे उस पर काफ़ी रिफाइनमेंट आती है और स्टैंडिंग कमेटी फिर अपने उस बिल पे पब्लिक ओपिनियन भी लिस्ट करते हैं, और उसके बाद फिर कंपोजिट और कंप्रिहेंसिव डेलिब्रेशन के बाद स्टैंडिंग कमेटी अपनी रिकमेंडेशन देती है। अब इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स देखते हैं। आर्टिकल 105 जो है आपका और 195 स्टेट लेजिस्लेचर के लिए, ये आपके दोनों सिमिलर हैं, कॉरस्पॉन्डिंग हैं। आपका कॉडिफिकेशन ना तो आज तक यूके में हुआ है और ना ही आपका इंडिया में आज तक हुआ है। अमेंडमेंट्स देखेंगे, इसमें 44th अमेंडमेंट्स आया है, उसमें 361 अल्फा जो है वो आगे मिलेगा आपको। और पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस एंड फंडामेंटल राइट्स पे क्या क्या डिस्कस करें, काफ़ी डिटेल्स हैं। कलेक्टिव प्रिविलेजेस की बात करते हैं। व्हाट टू पब्लिश ट्रू कॉपी बाई द प्रेस विदाउट परमिशन ऑफ द हाउस आफ्टर 44th अमेंडमेंट, क्योंकि 75 में इंदिरा गांधी ने जो था वो पहले वाले जो एक्ट को डिसबैंड कर दिया था, तो उसमें फिर जो एक्चुअली उनके टाइम में तो काफ़ी प्रेस को इमरजेंसी थी, तो वैसे काफ़ी गेक कर दिया था, लेकिन जब जनता गवर्नमेंट आई 1978 में, तो उन्होंने 44th अमेंडमेंट लेके आए और ये प्रेस को फ्रीडम दे दी कि वो गुड फेथ में पब्लिश कर सकते हैं, ताकि उनको कल को डिफेमेशन शूट क्रिमिनल जो डिफेमेशन शूट है वो फेस ना करना पड़े। अभी आप देखिए, जैसे इसमें स्ट्रेंजर है, अगर स्पीकर को लगता है या चेयरमैन को लगता है रिस्पेक्टिव लोकसभा और राज्यसभा में बालकोनी में, तो वो वहाँ से स्ट्रेंजर को एक्सक्लूड करवा सकते हैं। और इसके रिगार्डिंग आपके आर्टिकल 208 में आपके हैं स्टेट लाइसेंस से रिलेटेड, और राज्यसभा में आपके 222 से लेकर 228 तक इसमें आपके पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस पर हैं। चलिए, आप तो इंदिरा गांधी को 1977 में ये पनिश किया गया था, इसका
पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस का ब्रीच के मैटर पे और आउटसाइडर में डिस्कस कर चुका हूँ, प्लीज़ मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड्स। यहाँ पे कलेक्टिव प्रिविलेजेस हैं और यहाँ पे रिप्रीमांड, इम्प्रिजनमेंट, सस्पेंशन, एक्सपल्सन की वजह से इंदिरा गांधी का एक्सपल्सन किया गया था, वो अलग बात है। 1980 में जब दोबारा वो खुद उनकी सरकार आई थी तो उसको नल एंड वॉइड कर दिया था उनके पिछले उसके डिसीजन को। राइट टू रिसीव इमीडिएट, जैसे ही अगर किसी को अरेस्ट किया जाता है एमएलए एमपी को तो उसके इन्फॉर्मेशन कॉरस्पॉन्डिंग प्रोसाइडिंग ऑफिसर को जाना चाहिए, अगर लोकसभा का एमपी है तो स्पीकर को और राज्यसभा का है तो चेयरमैन को। तो यहाँ पर आप देखिए कि एमपी एमएलए जो एमएलसी जो आउटसाइडर्स हैं उनको सिविल मैटर पर अरेस्ट नहीं किया जा सकता, क्रिमिनल मैटर पर किया जा सकता है, लेकिन विद इन द परमिशन ऑफ द वॉल ऑफ द हाउस उनको प्रोसाइडिंग ऑफिसर परमिशन के बगैर अरेस्ट नहीं किया जा सकता है। अब आर्टिकल 121 और 122 बड़े कॉरस्पॉन्डिंग इंटरेस्टिंग आपको याद रखना है, एग्जाम पॉइंट से काफी इंपॉर्टेंट है। 121 टॉक्स अबाउट द रिस्ट्रिक्शन ऑन डिस्कशन ऑन द कंडक्ट ऑफ ए जज सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट फॉर डिस्चार्ज ऑफ हिज ड्यूटीज। तो 121 में जज के कंडक्ट के ऊपर डिबेट नहीं हो सकती है, डिस्कशन नहीं हो सकता है उसमें, अनटिल अनलेस अगर किसी जज की इम्पीचमेंट का मोशन लेके आया गया हो तो तब किया जा सकता, अदरवाइज नहीं। और ऐसे ही 122 में है कि 122 में कोर्ट्स का डिबार कर रखा है पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स के जुडिशियल रिव्यू पे। नेक्स्ट, इंडिविजुअल प्रिविलेजेस, अभी हमने वो बात की थी कलेक्टिव प्रिविलेजेस की, यानी हाउस की कलेक्टिवली अगर ऐसा कोई काम, ऐसा कोई हिंड्रेंस, बेसिकली प्रिविलेजेस हैं ये, जरूर ये दी इसीलिए गई हैं कि ताकि जो हाउस का काम है वो बड़ा स्मूथली विदाउट एनी हिंड्रेंस चले, इस वजह से ये प्रिविलेजेस दी गई हैं। और यहाँ पे इंडिविजुअल है, जैसे अब मैंने कि ऊपर आपके राइट साइड में स्लाइड बनाया, जैसे आपका बजट सेशन है मॉर्निंग, ये सॉरी मानसून सेशन और विंटर सेशन है, तीन सेशन है, तो 40 डेज प्रायर और 40 डेज आफ्टर अगर आप देखोगे तो 240 डेज तो ये आपको वैसे निकलेगा जाता 365 डेज में, और फिर कुछ सेशन भी चलेंगे को 20 दिन का, को महीने का, तो अल्टीमेटली वर्चुअली हम ये कह सकते हैं कि पूरा साल में सिविल अरेस्ट एक एमपी का या एमएलए का हो ही नहीं सकता है, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट प्रैक्टिकली। हाँ, क्रिमिनल केस में उसको अरेस्ट किया जा सकता है लाइक एनी अदर ऑर्डिनरी सिटीजन। तो इसका डिसीजन, इसका क्रिटिसिज्म है 40 डेज इज नॉट रिक्वायर्ड, इट इज आउटडेटेड, क्योंकि केरला से अगर किसी को एमपी को आना है उस समय ट्रेन में बहुत टाइम लगता था, लेकिन आज तो आपके पास बाय एयर मतलब यू कैन कम सेम डे, तो कोई ऐसे इशू है ही नहीं, बट इसको अभी तक चेंज नहीं किया गया। प्रिविलेजेस और फैसिलिटीज में कुछ डिफरेंस है कि उसको कितना फोन फ्री होंगे, कितने उसका 32 या 36 जितने भी उसको फ्लाइट्स में इकोनॉमी क्लासेज मिलेंगी और फ्री की मिलेंगी, तो वो फैसिलिटीज में आते हैं, प्रिविलेजेस में नहीं आते हैं। तो प्रिविलेजेस और फैसिलिटीज में बिल्कुल हेयरलाइन डिफरेंस है। अब जो आपका फ्रीडम ऑफ स्पीच इन पार्लियामेंट्स, भाई एनीथिंग सेड और वोट गिवन, अब जेएमएम ब्राइबरी केस में सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था कि नहीं, अगर पैसा लेके भी उन्होंने वोट डाला है तो इसके लिए उन्होंने कोई पार्लियामेंट्री जो ब्रीच नहीं किया है प्रिविलेजेस का, ये उनका राइट है, ठीक है, वी कांट गो इनटू दैट डिटेल। तो दे आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम ज्यूरी सर्विस 1925 में, उनको ज्यूरी सर्विस से भी अलग कर दिया। ज्यूरी सर्विस आपने मूवी अक्षय कुमार की रुस्तम मूवी देखी भी होगी, तो जो जज के कंट्रोल में जज के साथ में बैठ के ज्यूरी मेंबर होते हैं तो उनको भी इस काम से अलग कर दिया। और दे कांट बी फोर्स टू अपीयर, जब अगर सेशन चल रहा है तो उनको कहीं भी एविडेंसेस के लिए नहीं बुलाया जा सकता, उनको एग्जेम्पशन मिलेगी। बाकी ये मैं पहले बता चुका हूँ आपको 121 और 122। नेक्स्ट स्लाइड, द ब्रीच ऑफ प्रिविलेजेस इन कंटेम्प्ट ऑफ द हाउस, देखिए इसमें कंटेम्प्ट ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर और कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट एक्ट 1970, दोनों के कंटेम्प्ट में थोड़ा डिफरेंस है। कोर्ट ने बताया है कि भैया कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971 में क्या है, प्ली ऑफ ट्रूथ इज अ वैलिड डिफेंस और फेयर कमेंट ऑन जजमेंट। अगर कोई एडिटर है और वो किसी सुप्रीम कोर्ट के या हाई कोर्ट के जज का अगर फेयर कमेंट कर रहा है तो इट इज अ वैलिड ग्राउंड, और ये दूसरी साइड तो ये ग्राउंड उसको मिलते हैं, लेकिन कंटेम्प्ट ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर में क्या है कि ये चीज़ें नहीं है और वो नेचुरल जस्टिस का वायलेशन है। तो यहाँ पे इन्होंने बोला एनी ऑब्स्ट्रक्शन डायरेक्टली इनडायरेक्टली डिमीन अथॉरिटी डिग्निटी ऑनर ऑफ द हाउस स्टेट इज अ कंटेम्प्ट ऑफ द हाउस, और कंटेम्प्ट ऑफ हाउस और ब्रीच ऑफ प्रिविलेज मैंने एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश की है। एक जो बड़ा सर्कल है वो है आपका कंटेम्प्ट ऑफ हाउस, और छोटा जो सर्कल है वो ब्रीच ऑफ प्रिविलेज है। डिसोबीडियंस टू ए लेजिटिमेट ऑर्डर ऑफ द हाउस इज नॉट ए ब्रीच ऑफ प्रिविलेज बट कैन बी पनिश्ड एज ए कंटेम्प्ट ऑफ द हाउस, यानी कोई लेजिटिमेट ऑर्डर है हाउस का अगर उसका डिसोबीडियंस किया तो वो ब्रीच ऑफ प्रिविलेज नहीं है, ब्रीच ऑफ प्रिविलेज इज समथिंग डिफरेंट, राइट। तो यहाँ सोर्सेज ऑफ प्रिविलेजेस हैं, ये मैंने सोर्सेज लिख रखे, प्लीज गो थ्रू इट। आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पोजिशन ऑन पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस, देखिए आपके थ्री थिंग्स है, पहले तो साफ साफ दो राइट्स दे रखे हैं आपके 105 में, अगर आप जाके देखेंगे फ्रीडम ऑफ स्पीच इन पार्लियामेंट, यानी अगर ये फ्रीडम उनको नहीं मिलेगी तो वो किसी बिल पे फ्रीली एंड फेयरली डिबेट नहीं कर पाएंगे, तो उनको ये चाहिए, तो इसलिए 19(1) है उनके पास है, उनको जरूरी है। और अब राइट टू पब्लिकेशन इज प्रोसीडिंग,
जो वहाँ पे प्रोसीडिंग है उसका जो पब्लिकेशन है वो भी ट्रू ही होना चाहिए. अब अदर इंसिडेंटल प्रिविलेजेस हैं वो जो ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में हैं और इट्स कमिटेड मेंबर्स ऑन डेट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो 26 जैन 1950 से, उससे पहले की जो प्रिविलेज हाउस ऑफ कॉमन की वही हमने अडॉप्ट किए हैं. लेकिन 1979 में जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1978 जनता गवर्नमेंट ले गई, उसमें सिर्फ एक रेफरेंस डाल दिया कि नाउ वी आर इंडिपेंडेंट एंड सॉवरन कंट्री, वी शुड नॉट हैव एनी रेफरेंस टू द दिस लेगेसी हाउस ऑफ कॉमन. तो हाउस ऑफ कॉमन को हटा दिया और बोल दिया कि लेकिन जो इससे पहले की जो पोजीशन वही रहेगी, यानी वर्चुअली सिर्फ हाउस ऑफ कॉमन वर्ड हटा दिया, आज भी वही पोजीशन है जो आपके जब 1950 में जब अपना कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ. अब लेट अस सी कब उसको कोडिफाई करते हैं. द प्रिविलेज मोशन अगेंस्ट द न्यूज़पेपर एक्सेट्रा, ये बहुत सारे लिस्ट मैंने बना रखी हैं, इसमें प्लीज गो थ्रू इट. ये ऑलमोस्ट लीडिंग न्यूज़पेपर हैं जिनके अगेंस्ट प्रिविलेज मोशन इशू किए हैं हाउसेज ने. और जैसे 2013 में जेटली साहब का फोन टैपिंग का भी आया, कर्नाटका असेंबली ने 2 डेटर को तो 1 ईयर की इम्प्रिजनमेंट दे दी, और आपका 2018 में तो प्राइम मिनिस्टर और डिफेंस मिनिस्टर अगेंस्ट कांग्रेस के प्रिविलेजेस लेके आए प्रिविलेज मोशन. उस साइड से फिर बीजेपी वाले भी कांग्रेस के अगेंस्ट लेके आए रफाल मैटर पे कि ये हाउस को मिसलीड कर रहे हैं इस ग्राउंड पे और इट इज़ अ ब्रीच ऑफ द हाउस. तो इस तरीके से इंपॉर्टेंट इंसिडेंट ऑफ ब्रीच ऑफ पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस. अभी 1954 में जो होमी दिनेश मोदी साहब हैं इनको तो अरेस्ट कर लिया गया था, मुंबई से लेके आए थे 1 हफ्ते के लिए, इनको एक होटल को एक गेस्ट हाउस में कन्वर्ट करके उन इनको इम्प्रिजनमेंट किया गया, डिटेन किया गया. और 65 में देखिए आपका जो फेमस केशव सिंह केशव, आगे हम डिस्कस करेंगे. और लिस्ट इज एंडलेस यू, मतलब देखिए आप राज्यसभा में अरुण जेटली का मैंने डिस्कस किया है और 2018 तक का मैंने ट्राई किया है मेन मेन लीडिंग केसेज का. अभी जो पार्लियामेंट ऑफ कनाडा है, आप जो किस जितनी मोस्टली डेमोक्रेसीज हैं जहाँ पे पार्लियामेंट्री सिस्टम है, तो आप यू विल फाइंड कि वहाँ पे पार्लियामेंटेरियंस को उनके पार्लियामेंटेरियंस के पास प्रिविलेजेस हैं और मोस्टली नहीं यूनाइटेड किंगडम से ही फॉलो की गई हैं. और आप इसकी नेक्स्ट स्लाइड पे देखिए जो उस समय, प्लीज गो थ्रू ऑल दिस स्लाइड्स, इट विल टेक मच टाइम, मैं इसको सब क्यों ना पढ़ूंगा. तो इसमें जैसे आप देखेंगे कि सबसे पहले 1523 में था जो सर थॉमस मोरे जो हाउस ऑफ कॉमन के इलेक्टेड स्पीकर थे, उन्होंने पिटीशन दी थी किंग को. तो आपको पता है कि उसमें डेमोक्रेसी नहीं थी, तो किंग थे, तो किंग कैन नेवर बी रॉन्ग, तो किंग कभी गलत हो नहीं सकता. और तो किंग ने कई बार, एक बार जेम्स वन थे, इन्होंने तो 1621 ईस्वी में क्या किया था कि उसके बिल की कॉपी फाड़ दी थी, जो पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस के लिए इन्होंने भेजा उसकी कॉपी फाड़ दी और उसके बाद अरेस्ट भी करवा दिए. तो 1626 में चार्ल्स ने तो दो हाउसेस के, हाउस ऑफ कॉमन के 2 MPs को भी अरेस्ट करवा दिया था. और ये काफ़ी टसल चल रही थी और हाउस ऑफ कॉमन के जो MPs थे वो अपनी पोजीशन को रिगेन करने के लिए, ताकि वो फ्रीली फेयरली बोल सकें, तो उन्होंने बार बार रेजोल्यूशन पास कर रहे थे. लेकिन ये जाकर सक्सीड हुए 1689 में, बिल ऑफ राइट्स 1689 में, और वहाँ पर ये मोहर लगी कि हाँ ये कुछ. और फिर धीरे उन्होंने वन बाय वन करके अपनी जो पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस थी वो लिस्ट बढ़ानी शुरू की. अब आप देखिए ये स्टॉकडेल वर्सेस हंसार्ड का एक फेमस केस है 1836 का. और फिर यहाँ पे जाके आपका कोर्ट में भी जो उसको जो जो जिसके अगेंस्ट प्रिविलेजेस जो मोशन इश्यू किया गया उसको कोई रिलीफ नहीं मिला, तो कोर्ट ने बोला कि क्योंकि रिटर्न में है नहीं, तो फिर फाइनली पार्लियामेंट्री पेपर एक्ट ऑफ 1840 में जाके इनको स्टेचुटरी प्रोटेक्शन दिया गया. अब आगे देखिए लोकसभा में जाके देखते हैं, लोकसभा की साइट से लिया है. इसमें जो प्रिविलेजेस है कमेटी, आपको मैंने बताया था 24 कमेटीज़ हैं, तो उसमें ऐसे बहुत सारी कमेटीज़ हैं आपकी. और आपकी जो प्रिविलेजेस कमेटी है ये 1 ईयर के लिए कमेटी बैठती है, फिर आगे नेक्स्ट ईयर फिर दोबारा मेंबर चेंज हो जाते हैं. लोकसभा में आपके 15 मेंबर्स हैं और राज्यसभा में भी 10 मेंबर्स हैं, और ये आपके 15 मेंबर्स हैं लोकसभा की. अब अभी मैंने कहा जस्ट एक एग्जाम्पल तुम्हें समझाने के लिए, जैसे कि ये आप फोर्थ कॉलम देखोगे, मेमोरेंडम ऑफ नोटिस ऑफ द क्वेश्चन ऑफ द प्रिविलेजेस डेटेड 19 नवंबर 2019 गिवन बाय श्री हनुमान बेनीवाल MP. ये हनुमान बेनीवाल जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है राजस्थान से हैं, तो इन्होंने पुलिस ने इनको एडवोकेट प्रोटेक्शन नहीं दिया, इनके पास फिजिकल अटैक हुआ और इसके लिए फिर इन्होंने लगाया कि ये इन्होंने प्रिविलेज मोशन इशू लेके आते हैं. और फाइनली ये मैटर प्रिविलेज कमेटी को रेफर किया जाता है और यहाँ पे फिर ये आगे इसका जो डिसीजन होगा. अब आ जाइए आप राज्यसभा का, राज्यसभा में मैंने बताया कि भाई आपके लोकसभा में 15 और इसमें 10 की कमेटी होती है, ये प्लीज़ गो थ्रू ऑल इट. और इसमें जो इसका प्रोसीजर है रूल बुक चैप्टर 16 है, रूल 187 से लेकर 203 तक है. और जो भी मेंबर है जो लाना चाह रहा है वो चेयरमैन को देगा, चेयरमैन उस पर देखेगा कि हिमसेल्फ भी स्टडी करेगा उसको कि कुछ इसमें पॉइंट है कि नहीं है. और इसमें आपका ये अगर कुछ इसमें मैटर बनता है और 25 मेंबर्स इसको वैलिडेट कर देते हैं, तो फिर ये जो आपके चेयरमैन हैं या कॉरस्पॉन्डिंग स्पीकर लोकसभा में, वो प्रिविलेज कमेटी को रेफर कर देंगे, वो रिपोर्ट बनाएंगे, रिपोर्ट फिर चेयरमैन को सबमिट होगी, फिर वो हाउस में लेट डाउन होगी और फिर यूनैनिमसली डिसीजन होगा और वही डिसीजन फिर लागू होगा. तो प्लीज़ गो थ्रू ऑल दी स्लाइड्स,
ये आपकी 203 लास्ट वाला इसका। अब आ जाइए रिलेवेंट प्रोविजंस कंसर्निंग द प्रिविलेजेस इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भाई ये वही है जो 105/194 हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। इसमें जो सेकंड आप देखो, देखिए जो पहले वाला वो कहता है कि जो फ्रीडम ऑफ स्पीच इन पार्लियामेंट वो भी एब्सोल्यूट नहीं है, एमपीज को भी जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है वो भी स्टैंडिंग ऑर्डर रेगुलेटिंग जो प्रोसीजर है लोकसभा राज्यसभा के, प्लस कॉन्स्टिट्यूशन के जो प्रोविजन्स हैं तो वो भी, यानी ये एब्सोल्यूट राइट इनका भी नहीं है। तो ये देर आर लॉट ऑफ लिमिटेशन, लिमिटेशन कौन कौन सी है, पूरे इंटायर कॉन्स्टिट्यूशन प्लस रूल्स एंड स्टैंडिंग ऑर्डर फ्रेम्ड बाई लोकसभा राज्यसभा। सेकंड जो है एनीथिंग सेड एनी वोट गिवन यस, ये एग्जेम्प्टेड है उनसे। अब जो पावर प्रिविलेजेस इम्यूनिटीज पीपीआई से मैंने लिखा है, इसमें इसमें आपका ये 44th अमेंडमेंट ला के इन्होंने सिचुएशन सुधारी थी। और फिर आपके जैसे फोर्थ वाला बड़ा इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन आ जाता है ऑब्जेक्टिव में कि प्रोविजन ऑफ क्लॉज 1, 2 एंड 3 शैल अप्लाई इन रिलेशन ऑफ पर्सन हु बाय वर्च्यू ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन मे हैव राइट टू स्पीक। देखिए जो एमपी तो नहीं है लेकिन उनको पार्लियामेंट में आके बोलने का राइट है, जैसे अटॉर्नी जनरल है, आपके कैबिनेट मिनिस्टर तो होते ही हो वहाँ पे, तो उनको यानी एजी को भी ये क्वेश्चन आ सकता है कि अटॉर्नी जनरल को भी पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस राइट है और वो जब पार्लियामेंट में आके बोलते हैं। अब जो प्रेजिडेंट की बात है, प्रेजिडेंट का सेपरेट मैकेनिज्म है, दो ही प्रेजिडेंट इज ए पार्ट ऑफ इंडियन पार्लियामेंट लेकिन वो ही इज नॉट कवर्ड अंडर आर्टिकल 105। नेक्स्ट ये 194 सिमिलरली स्टेट्स के लिए जो भी हमने 105 पार्लियामेंट के लिए डिस्कस किया है। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन मैं आपको ये ऑलरेडी बता ही चुका हूँ और इसमें प्लीज गो थ्रू इट। अब नेक्स्ट जो है राइट टू पब्लिकेशन प्रोसीडिंग आर्टिकल 105 है। देखिए 1956 में आपका पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग प्रोटेक्शन पब्लिकेशन एक्ट 1956 था, तो इसमें क्या था, नो पर्सन शैल बी लाइबल टू एनी प्रोसीडिंग सिविल और क्रिमिनल इन एनी कोर्ट इन रिस्पेक्ट टू द पब्लिकेशन ऑफ ए सब्सटेंशियली ट्रू रिपोर्ट। थोड़ा बहुत माइनर हो सकता है इधर उधर से लेकिन सब्सटेंशियली पोर्शन उसका ट्रू होना चाहिए। लेकिन इसको 1975 में जो मैंने वो छोटा सा लिख भी रखा है, तो ये 1975 इंदिरा गांधी ने इसको रिपील कर दिया, लेकिन फिर जनता गवर्नमेंट 1978 में लेके आई और फिर 361A इंसर्ट किया कॉन्स्टिट्यूशन में ताकि जो आपके मीडिया हाउसेज हैं उनको प्रोटेक्ट किया जाए। लेकिन एक जो सीक्रेट सिटिंग होती है हाउस की उसमें मीडिया अलाउड नहीं होगा, उसकी रिपोर्टिंग अलाउड नहीं होगी, और जो पोर्शन स्पीकर ने या चेयरमैन ने एक्सपंज कर दिया, एक्सपंज इन द सेंस जैसे कभी कभार कोई कोई पोर्शन है और उससे स्पीकर ने बोल दिया कि नो इट वुड बी नॉट अ पार्ट ऑफ द रिकॉर्डिंग प्रोसीडिंग, तो उसको एक्सपंज कर देते हैं तो वो पब्लिकेशन में नहीं आएगा। नेक्स्ट अदर प्रिविलेजेस, फ्रीडम फ्रॉम अरेस्ट मैंने बता दिया आपको कि सिविल में आपको एग्जेम्पशन है, क्रिमिनल में नहीं है। और राइट टू एक्सक्लूड स्ट्रेंजर, गैलरी से उसको हटाया जा सकता है अगर उनको लगता है स्पीकर को या चेयरमैन को, प्लीज गो थ्रू इट। प्रिविलेज एंड फंडामेंटल राइट्स, देखिए ये आपके लिए बड़े इंपॉर्टेंट स्लाइड्स है। अभी जो फिलहाल जो पोजीशन है वो ये जो आपके गुणपति केशव राम रेड्डी, ये बेसिकली इन्होंने सबसे पहले महाराष्ट्र में जब हम आज़ाद हुए तो महाराष्ट्र से पहले पावर प्लांट इन्होंने लगाया था, इज वेरी ग्रेट बिजनेसमैन, पद्म भूषण भी इनको मिला हुआ है। तो इनको बॉम्बे से अरेस्ट करके लेके आ गया, यूपी असेंबली के जो स्पीकर ने वारंट इशू कर दिया था अरेस्ट वारंट इनके अगेंस्ट। तो इनको सिर्फ इसलिए छोड़ा गया, आप इस पूरा पढ़ेंगे कि 24 घंटे के अंदर इनको मजिस्ट्रेट के सामने नोटिस नहीं किया गया, तो आर्टिकल 22 क्लॉज 2 का बेनिफिट इनको मिल गया। अब नेक्स्ट देखें एमएसएन शर्मा वर्सेज एस के सिन्हा, इस केस में बड़ा बैड डिसीजन बोल दिए, नैरो इंटरप्रिटेशन बोल दीजिए, किसी ने बोले कि पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस हैं वो फंडामेंटल राइट से सुपरसीड करेंगी, यानी अगर आप किसी का फंडामेंटल राइट है ठीक है लेकिन आप पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स यानी प्रिविलेजेस का वायलेशन हो गया तो प्रिविलेजेस विल प्रिवेल ओवर द फंडामेंटल राइट। लेकिन फिर क्या हुआ कि इसका प्रेजिडेंट ने प्रेजिडेंशियल रेफरेंस 143 के तहत सुप्रीम कोर्ट में भेजा और इसमें 7 जजेस की बेंच बैठी और उसमें बोले कि नहीं 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 ऐसा जरूरी नहीं है। और फिर अपने आप में नेक्स्ट स्लाइड देखिए, इसमें इसका पूरा आपका डिटेल दिया गया है कि क्या क्या हुआ। पहले इसके फैक्ट सुनिए आप, केशव सिंह केस है बेटर नॉन एज यूपी असेंबली केस, इसमें केशव सिंह जो नॉन मेंबर थे एक पैम्पलेट इशू करते हैं पब्लिश करते हैं और उनके अगेंस्ट उनके अगेंस्ट पर प्रिविलेज मोशन लाया जाता है और उनको 7 डेज का डिटेंशन में डाल दिया जाता है उनको। लेकिन मीन वाइल उनके एडवोकेट थे मिस्टर सोलोमन, वो जाते हैं आपके आर्टिकल 226 एंड सेक्शन 491 CRPC हैबियस कॉर्पस पिटीशन फाइल करते हैं कि उनका डिटेंशन जो है इज ए इलीगल ऑर्डर, मेला फाइड ऑर्डर है और उनको कोई अपॉर्चुनिटी भी नहीं दी गई। तो इलाहाबाद के 2 जजेस की बेंच ने उनके जो इंटरिम बेल दे दिया उनको और वो रिलीज हो गए वो इस वजह से। तो असेंबली इस बात पे बड़ी नाराज होकर उन्होंने क्या किया, मतलब यू विल बी शॉक टू नो कि दोनों जजेज के अगेंस्ट
केशव सिंह के अगेंस्ट और उनके एडवोकेट मिस्टर सोलोमन के अगेंस्ट कंटेम्प्ट ऑफ असेंबली माना गया और उनके इमीडिएटली बोला कि दोनों जजेस को और इनको अरेस्ट करके हाउस में पेश किया जाए। मतलब आप कोई फिल्म की कहानी नहीं सुन रहे हैं, ये रियल कहानी है। और अभी जैसे ही फिर ये क्या हुआ कि दोनों जजेस और एडवोकेट सेपरेट पिटिशन फाइल करते हैं 226 में, हाई कोर्ट में जाते हैं और 28 के 28 जजेस अलाहाबाद हाई कोर्ट की फुल बेंच बैठती है और उस स्पीकर के ऑर्डर को वो स्टे ऑर्डर कर देते हैं। और फिर जाके कि लेकिन वो फिर भी ये बोलते हैं कि जजेज हैं वो हाउस के सामने तो जाएं लेकिन उनको अरेस्ट नहीं किया जाएगा। याद रखिएगा कि उस समय तक जो जुडिशरी हुई इतनी इंडिपेंडेंट हो रही थी, पावरफुल नहीं हुई थी, उस समय स्टिल एग्जीक्यूटिव का बहुत ज़्यादा डोमिनेंस था, राइट। तो यहाँ पर फिर क्या होता है कि लेकिन वो फिर हाई कोर्ट में जाते हैं, फिर कोर्ट एक मॉडिफाई करता है और अपना पहले का ऑर्डर फिर वो इंप्लीमेंट करने से स्टे कर देता है। और मीनवाइल फिर प्रेजिडेंट क्या करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, मामला काफ़ी इवेंट करा जाता है, मीडिया में काफ़ी आ रहा है, तो 143 फिर एडवाइजरी ओपिनियन देता है सुप्रीम कोर्ट। ये जरा ध्यान से सुनना, क्या जो लेजिस्लेचर की whether the legislature is the sole and the exclusive judge of its privilege, whether it is competent to punish a person for his contempt taking place outside the legislature, क्या अगर उससे बाहर हुआ है, हाउस से बाहर, क्या उसका भी कंटेम्प्ट लिया जा सकता है? और लेजिस्लेचर जो है वो अपने आप में ही हाई कोर्ट है, पार्लियामेंट की या लेजिस्लेचर की, हाउस की। दूसरा, क्या हाई कोर्ट इंटरटेन कर सकता है हैबियस कॉर्पस पिटीशन की अगर असेंबली या स्पीकर के ऑर्डर हैं तो, और उसको कंटेम्प्ट माना जाएगा? नेक्स्ट स्लाइड। अब यहाँ पर ये 7 जजेस की बेंच थी और 6-1 काफ़ी क्लियर कट डिसीजन था। तो उन्होंने बोला कि जो दो जजेज हैं उन्होंने कोई कंटेम्प्ट कमिट नहीं किया है और उन्होंने अपनी जो पावर थी 226 के तहत बिल्कुल लीगली वैलिड डिस्चार्ज की है। और दूसरा, कोर्ट ने ये भी कहा द कोर्ट इन इंडिया कुड एग्जामिन द वैलिडिटी ऑफ डिटेंशन ऑफ पर्सन सेंटेंस बाय द असेंबली बाई अंडर जर्नल और अनस्पीकिंग वारंट। तो यानी जन जो आपकी स्टेट असेंबली या पार्लियामेंट का कोई भी ऑर्डर अगर डिटेंशन का है तो उनका जुडिशियल रिव्यू होगा, कर सकती है कोर्ट चाहे। दूसरे पैरे में अगर उन्होंने देखोगे तो ये लिख रखा डिफरेंस बिटवीन यूके एंड इंडियन पोजीशन। तो यहाँ पे वो तो बता रहे हैं कि यूके की जो पार्लियामेंट है और जो इंडियन की पार्लियामेंट है, लेजिस्लेटिव असेंबली, कंसेप्ट ही अलग है बिल्कुल। वहां पर देखिए वहां की पार्लियामेंट क्या है कि वो सॉवरन है, वो अपने में हाई कोर्ट है, यानी वो दे आर क्लियर कट सॉवरन, बट इंडियन पार्लियामेंट इज नॉट सॉवरन। यू विल बी शॉक टू नो, क्योंकि देखिए हियर द कॉन्स्टिट्यूशन इज सॉवरन, यानी कॉन्स्टिट्यूशन के जो तीन बच्चे हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, उन सबका जो फादर है वो बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन है। और कॉन्स्टिट्यूशन पार्लियामेंट एक जुडिशरी थ्रू इंटरप्रिटेशन, कॉन्स्टिट्यूशन पार्लियामेंट ने या स्टेट असेंबली किसी ने भी कोई लॉ बना रखा उसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर किया जा सकता है, राइट। यानी उसके जुडिशियल रिव्यू हो सकता है लेकिन यूके के अंदर जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता, पार्लियामेंट ही सुप्रीम, वहाँ के कोर्ट उनका जुडिशियल रिव्यू नहीं कर सकते। 226 क्या कहता है, थर्ड पॉइंट जो है, बाय रिट ऑफ हैबियस कॉर्पस किसी भी अथॉरिटी अगेंस्ट हो सकता है। आर्टिकल 12 की अगर आप डेफिनेशन देखें तो उसमें पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर भी आता है। अगर नेक्स्ट पॉइंट देखें, फोर्थ, आर्टिकल 121 आपको पता ही है कि प्रोविडस एनी डिस्कशन द स्टेट, और वो किसी जज, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जज के बारे में, उसके कंडक्ट के बारे में बात नहीं कर सकते हैं। तो इसका भी वायलेशन किया यूपी असेंबली ने। फिर बोलते हैं कि इसमें बोलते हैं कि जुडिशियल रिव्यू अलाउड है नेक्स्ट पैरा में। और यहाँ पे ये भी बोलते हैं कि यस, वो आपकी जो पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस हैं वो ठीक हैं, बट दे आर सब्जेक्ट टू द आर्टिकल 21 एंड 22 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। यानी जो राइट टू लिबर्टी आपका है और अक्यूज के राइट है वो सारे के सारे लागू होंगे। तो यानी ये एक बड़ा अच्छा डिसीजन रहा और आर्टिकल 21 एंड 22 टच स्टॉन रखेगा और बीच में रखेगा कि यस, इनको बाईपास करके आप कोई भी डिसीजन, पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस के जो मोशन वो इशू नहीं कर सकते हैं, डिटेंशन ऑर्डर इशू नहीं कर सकते। अब आ जाइए कोडिफिकेशन ऑफ पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस। देखिए लोकसभा की आपकी 11th रिपोर्ट आई है 2008 में भी और उन्होंने कहा कि दे आर अगेंस्ट दिट्स कोडिफिकेशन। लेकिन 2013-14 में गोवा में कॉन्फ्रेंस हुई थी आपके सभी स्पीकर्स की और जितने प्रेसाइडिंग ऑफिसर स्टेट्स के, तो उसमें एक डिसीजन लिया गया कि यस, पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस कोडिफिकेशन होना चाहिए, बट नो एक्शन हैज बीन टेकन टिल डेट। अब वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है इस केस में, इन मॉडर्न एंड मेच्योर डेमोक्रेसी ब्लैंकेट पार्लियामेंट्री प्रिविलेज डू नॉट शूट द लिबरल एनवायरमेंट। देखिए अब जिस स्टेज पर हम पहुंच चुके हैं, जितनी डेमोक्रेसी हमारी मेच्योर हो चुकी है, जितना रूल ऑफ लॉ हमारा मेच्योर हो चुका है, इट डजेंट लुक नाइस कि पार्लियामेंट्री प्रिविलेज इज ओल्ड कंसेप्ट है। दूसरा, इवन इन यूके जो फाउंडर हैं पार्लियामेंट्री प्रिविलेज के, थे ऑलमोस्ट स्टॉप्ड
इनवॉकिंग द पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस। अब वे फॉरवर्ड में नीड क्या है, जैसे 2013 की जो कॉन्फ्रेंस है गोवा की, यस टू कोडिफाई प्रिविलेज फॉर मोर क्लियरिटी। अगर आपकी प्रिविलेजेस कोडिफाइड हैं रिटन में है, इफ एवरीथिंग इज इन रिटन, तो आप यू कैन जज इन बेटर वे। और जो वायलेटर हैं वो भी देखेंगे, उनको पता लग जाएगा कि लक्ष्मण रेखा कहाँ है, इससे ज्यादा इससे क्रॉस नहीं करना है, थिंग्स विल बी मोर क्लियर। और सच कोडिफिकेशन में भी टेस्टेड विद द टेस्ट ऑन द फंडामेंटल राइट्स, और कोर्ट के लिए बड़ा ईजी होगा जुडिशियल रिव्यू करने में। और भीमराव अम्बेडकर हैड सेड इन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वंस, द पार्लियामेंट अभी एज ऑफ नाउ वी आर नॉट इन फेवर ऑफ द कोडिफिकेशन, बट द पार्लियामेंट वुड कोडिफाई सच प्रिविलेजेस इन टाइम टू कम। तो उन्होंने भी एक्सपेक्ट किया था कि पार्लियामेंट आने वाले टाइम में कोडिफिकेशन कोडिफाई करेगी इनको, लेकिन अभी तक कोडिफाई किया नहीं है। और ये आपका आपके इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चन हैं। ये जैसे पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस सब्जेक्ट टू जुडिशियल इलस्ट्रेटेड, तो आपका जुडिशियल रिव्यू है यस, केशव सिंह का केस, और मेन तो केशव सिंह का केस है, आप वो भी बता सकते हैं इसमें, और उसको आपने इलस्ट्रेट करना है किस आर्टिकल 21-22 का जिक्र किया है। वाई द पार्लियामेंट डू नॉट कॉडिफाई द पार्लियामेंट्री प्रिविलेज क्रिटिकल एग्जामिनेट विद रिसेंट डेवलपमेंट्स, आप देख रहे हैं मैंने वो जो लिस्ट पहले बता रखी है, बहुत सारे इसमें प्रिविलेज मोशन इशू होते हैं, छोटे छोटे इश्यूज पे होते हैं, कि कई बार तो ऐसा भी कि एम पी जिन एम पीज ने पार्लियामेंट इतने दिन अटेंड किया, जबकि हो सकता है उन्होंने मुश्किल से उससे 2 या 4 दिन ज़्यादा किया हो, तो वो उस पेपर वाले एडिटर के अगेंस्ट प्रिविलेज मोशन इशू कर ले आते हैं। तो इस तरीके से बेटर है अगर ये कोडिफाई हों। इम्पैक्ट ऑफ द आर्टिकल 361 ऑन पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस डिस्कस बेनिफिट टू द सोसाइटी एट लार्ज, देखिए राइट टू नो, राइट टू डिसमिनेट, वी नॉर्मल पर्सन कैन गेट द इन्फॉर्मेशन थ्रू द मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, ठीक है ना। इफ रिपोर्टिंग इज वॉल्यूमिनस, इफ रिपोर्टिंग फ्रीली एंड रिपोर्टिंग इज इन एट रियल टाइम, ऑब्वियसली द पीपल विल कम टू नो अबाउट द डेवलपमेंट, व्हाट आर द इंपॉर्टेंट लॉज एंड पॉलिसीज आर बीइंग फ्रेम्ड बाय आवर ग्रेट लेजिस्लेचर। Question 4, an MP speaks derogatory against someone during the debate in Lok Sabha, can he be prosecuted for the defamation by the affected party? अगर कोई MP है और किसी अगेंस्ट डेरोगेटरी बात कर, बोल रहे हो किसी डिबेट में लोकसभा में, क्या उसको डिफेमेशन के तहत वो अफेक्टेड जो बंदा है वो प्रोसिक्यूट कर सकते हैं? तो प्लीज ट्राई टू रिमेम्बर इट, 105 आर्टिकल में क्या लिखा हुआ है, पेरीमेट्रिया मीन्स। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लीज गो थ्रू इट। और मैं चाहता हूँ कि आप लोग ना कमेंट्स में ही ऐसे लिख दें इनके ऊपर, ताकि और दूसरे स्टूडेंट्स भी पढ़ें, फिर आप देख दूसरे से एनालिसिस करें, सीखें। तो पब्लिक प्लेस पे लिखने से काफ़ी अच्छा आपको इंट्रोस्पेक्शन मिलेगा, इस पर दूसरों के ओपिनियन जानने को मिलेंगे, एक दूसरे के एक्सचेंज होंगे आइडियाज़। और मैं दोबारा फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि स्टूडेंट्स सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर दें, ताकि मेरे जो फ्रेश नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। थैंक यू, बाय, टेक केयर।